अगर तुम देखोगे यहाँ पर द फोर्स एक्टिंग एवरी प्लेनेट अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, हर एक प्लेनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग ऑन प्लेनेट इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। देखो प्लेनेट कहीं भी है, जैसे मान लो ए पॉइंट पे है तो डिस्टेंस आर है, बी पॉइंट पे तभी भी मान लो कोई डिस्टेंस चेंज हो गया होगा, ये आर वन है तो ए बी पॉइंट पे है तो डिस्टेंस आर टू हो गया होगा, सी पॉइंट पे है तो आर थ्री हो गया होगा, डी पॉइंट पे है तो आर फोर हो गया होगा। तो हर एक पॉइंट पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एम वी स्क्वायर ओवर किसी भी पॉइंट पे, आर जनरल ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम ओवर आर स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ से कह रहे हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन प्लेनेट वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है और वो आर के स्क्वायर का है, ठीक है ना। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये वाला मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो यार ये जो फोर्स है वो एक ही है, ये वाला जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स इज रियल फोर्स, ठीक है ना। और यही ग्रेविटेशनल रियल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा उस कर्व या कर्वेचर पे चलने के लिए, ठीक है। तो ये जो इस पे लग रहा है फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है। और ग्राउंड से देखोगे तो कोई ऑब्जर्वर बोलेगा कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लग रहा है, तो बोलेगा यही यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। तो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फोर्स एक्टिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द प्लैनेट एंड सन। इनवर्सली तो प्रोपोर्शनल नहीं है भाई। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स दूर थोड़ी होगा, सेंटर से दूर थोड़ी होगा, सेंटर के करीब होगा। डी द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन इलिप्टिकल प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। देखो ये सेंटर वो है और ये मेजर एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से सेमी मेजर एक्सिस देखोगे तो ये आर वन है और ये आर टू है। तो केपलर्स लगाओगे तो टाइम पीरियड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर की पावर क्यू, या इस आर को अब मैं यहाँ इलिप्स के केस में लिखूंगा आर वन प्लस आर टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू की पावर क्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो आर वन प्लस आर टू को कुछ नहीं है, सेमी मेजर एक्सिस है। क्या है? सेमी मेजर एक्सिस डिवाइडेड बाई टू का पावर क्यू, जो कि बिल्कुल सही है। तो डी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ए और डी सही है, ए एंड डी आर करेक्ट, मतलब ए ऑप्शन अपना सही है। आई होप कि आपको मजा आ गया होगा। ये सब कहाँ से आ रहा है? आर वन प्लस आर टू की पावर क्यू। यूरोडोप में पूरा ग्रेविटेशन सॉल्व किया हूँ, उसमें जाके चेक कर लेना या यूट्यूब पे सर्च कर लेना यार। थैंक यू बाय बाय, टेक केयर।